जनरल बिपिन रावत के निधन से देश गमगीन। पर्वत पुत्र के निधन के बाद उत्तराखंड में 3 दिवसीय शोक। अपने सपूत को याद कर उत्तराखंड हुआ भावुक। जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन से देश परेशान हुआ, गमगीन हुआ। वहीं उत्तराखंड के सपूत की शहादत की खबर के बाद हर उत्तराखंडी सन्न रह गया। सीएम धामी गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। जनरल रावत के निधन पर प्रदेश में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिनों का राजकीय शोक रहेगा। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और हमारे देश को और विशेषकर हमारे प्रदेश को जनरल बिपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई और आज का पूरा सत्र पहले दिन का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार का एक अदम्य साहस वीरता उनके अंदर थी और जितनी सादगी और सरलता उनके जीवन में थी, वो किसी से भी मिलते थे तो उसे अपना बना लेते थे। उत्तराखंड को अपनी सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा। तमाम सियासी दलों की तरफ से जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है और देश के प्रति उनकी देशभक्ति को याद किया जा रहा है। जांबाज जनरल बिपिन रावत के अदम्य साहस को लोग याद कर रहे हैं। एक शिष्टमंडल, कहिए कुछ लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली जाएंगे और जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि सारे कांग्रेस दल की ओर से और उत्तराखंड के लोगों की ओर से अर्पित करेंगे। गणेश गुर्जर जी के नेतृत्व में जाएंगे और सब जो है सारे उत्तराखंड के कांग्रेस जनों और उत्तराखंड वासियों की ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। उत्तराखंड वीरों की भूमि है और इस भूमि से बिपिन रावत निकलकर देश के लिए महान काम किया। दुनिया जानती है कि जनरल बिपिन रावत के नाम से दुश्मनों के हाथ पैर कांपने लगते थे। इस वीर सपूत के जाने से मां धरती का कलेजा भी जैसे दुख से भारी हो गया हो। हिंदुस्तान जनरल बिपिन रावत के राष्ट्र प्रेम को कभी नहीं भूल पाएगा। जनरल बिपिन रावत जिंदाबाद। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।